ये सर 5 मिनट का खेल है जी हाँ दोस्तों, यहाँ 5 से 10 मिनट में सारा ऑर्डर बन जाता है। हेलो एवरीवन, दिस इज मैंक एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो माय चैनल बुकर ट्रैवलर्स। सो गाइस, आज के अपने इस वीडियो में मैं पहुंचा हूं पंचकुला के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एरिया के तंदूरी एम्पायर रेस्टोरेंट के बाहर। हालांकि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है, मींस ये क्लाउड किचन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आपका जो खाना है वो आपके गाड़ी तक पहुँच के आ जाती है। मतलब आप अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के खा सकते हो, होम डिलीवरी करवा सकते हो, जोमेटो स्विगी ऑल इनवॉल्व सारी डिलीवरी अवेलेबल है एंड 15 to 20 मिनट आपके घर तक पहुंच जाती है। साथ ही साथ अगर आप इससे अपनी गाड़ी वगैरह मंगवा दो तो भैया 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपके गाड़ी के अंदर पहुंच जाएगी और आप आराम से अपने पर्सनल स्पेस में खा सकते हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो गाइस, मैं अभी मौजूद हूँ अभी क्लाउड किचन एरिया के अंदर, जहाँ सारे ऑर्डर जो है यहाँ पे प्रिपेयर हो रहे हैं, देन यहाँ से कस्टमर के लिए डिलीवरी के लिए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें मल्टीपल ऑप्शन है ऑर्डर करने के, जोमेटो स्विगी वगैरह, तो उससे ऑर्डर जो है लगातार आते रहते हैं। सो बाकी चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास तरीके से बनाए जाते हैं डिफरेंट क्यूजीन को एंड कराएंगे टेस्ट आपको अभी। चलिए भैया, क्या बना रहे हो अभी आप? सर चीज चिली बन रही है सर, ये हाई फाई फॉर्म है। हाई फाई फॉर्म, तो चीज चिली में क्या क्या, मतलब ये चीज चिली की जो रेसिपी है वो क्या क्या होती है उसके लिए? तेल डालते हैं पहले कढ़ाई में, हाँ जी। उसके बाद इसमें लहसुन डालते हैं, उसके बाद इसमें प्याज शिमला मिर्च डालते हैं, ड्राई एक टमाटो केचप है जी, और ये चिल्ली गार्लिक पेस्ट और गार्लिक चिल्ली सॉस। भैया ग्रेवी में होती है? ग्रेवी भी होती है, ड्राई भी होती है, कस्टमर की चॉइस है। ग्रेवी भी खा सकते हैं, ड्राई भी खा सकते हैं। दोस्तों, आप कोई भी चीज़ अगर ऑर्डर करते हैं इसमें दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, ग्रेवी भी एंड ड्राई भी, तो आप जैसे चाहो वैसे ऑर्डर कर सकते हो। सर ये पड़ गया इसमें हल्का सा, ये पड़ता है इसमें क्या बोलते हैं हरा रोड, और ये ड्राई हो गया चीचिली आपकी, तैयार हो गई, 2-3 मिनट में तैयार हो जाए। भैया अभी ये ड्राई मंचूरियन बना रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी। ये कितने देर में? ये भी 5-10 मिनट में रेडी हो जाता है? 5 मिनट का खेल है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, 3-4 मिनट में हो जाते हैं वैसे तैयार। बाकी हमारा यहाँ आप देख सकते हो मंचूरियन भी रेडी है पैक होने के लिए। चलो फिर देखते हैं और क्या कुछ अलग यहाँ तरीके से बनाया जा रहा है और कुछ खास रेसिपी को। एंड गाइस, एज द नेम साउंड तंदूर एम्पायर, मतलब यहाँ पे जो भी आइटम जो तैयार किया जाता है, इधर वो तंदूर का हो या फ्राई को, वो स्पेशल वो दोनों ही काफ़ी स्पेशल तरीके से तैयार किया जाता है। जैसे आप मेरे पीछे आप देख सकते हो तंदूर के सारे आइटम तैयार हो रहे हैं एंड इधर जो भी आइटम जो है वो सारे फ्राइड आइटम तैयार हो रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे टेस्ट से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं मिलने वाला है, सारा टेस्ट एक से बढ़ के एक मिलने वाला है। बाकी चलिए हम भी चलते हैं, देखते हैं कि कुछ खास तरीके से बनाए जाते हैं डिफरेंट आइटम को। भैया अभी क्या लगाने वाले हो तंदूर का? ये पिसावरी चिकन। अच्छा, पिसावरी चिकन, हाँ जी सर। इसके लिए पहले अभी क्या किस तैयारी कर रहे हो यहाँ पे अभी आप? उसको मैरिनेट कर रहा हूँ। हाँ जी। एंड इसके बाद सीख में लगा के? हाँ जी सर। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद इसे सीख में ला के हम तंदूर में डालने वाले। ये कितने देर लगते होंगे प्रिपेयर होने में? इसको मैंने पहले से हाफ डन किया होता है, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में पक जाता है। अच्छा, हाफ मैरिनेट मतलब रहता है पका हुआ, तो उसके बाद मतलब 5 से 10 मिनट अभी पक जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ही अच्छा होता है, स्पाइसी टाइप का। जी हाँ दोस्तों, हमारा चिकन पसावरी टिक्का बन के तैयार हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्या कलर आई है भाई साहब, बहुत ही सोना एंड स्टार्टर के लिए बहुत ही अच्छा आइटम हो सकता है, जैसा कि भैया ने बताया था। बाकी इसके साथ आपको जो भी चटनी वगैरह होता है वो भी लगते हैं एंड देन आप इसे खा सकते हो। ये भी अपनी चटनी एंड ऊपर से भैया निकलते हैं डेकोरेट, और जो कलर आया है ना भाई साहब बहुत ही सही है, तंदूर का जो स्मेल है काफ़ी अच्छा आ रहा है यहाँ तक भी। एंड गाइस, जैसा कि किचन एरिया मैंने आपको दिखाया था एंड यहाँ पे जो ऑनर है वो भी मौजूद है, जैसा आप भी सोच रहे हो कि तंदूर एम्पायर में ऑनर क्या कर रहे हैं, तो चलिए इनसे ही बात करते हैं और पूछते हैं इनके खास वजह के वजह से, अगर ये किस वजह से यहाँ पे किचन एरिया में। सर सबसे पहले आप ये बताओ, आप कितने दिन पहले स्टार्ट किए हुए रेस्टोरेंट? ये भी मैंने 10 दिन हुए स्टार्ट किए हुए। अच्छा, मतलब अभी न्यू ही है? न्यू है एकदम। तो मतलब एज अ न्यू होने के कारण ही आप कस्टमर को सर्विस इतनी अच्छी दे रहे हो, मतलब एज अ ऑनर यहाँ पे किचन एरिया में रहना, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा स्मॉग वगैरह होता है, बनते रहते हैं, क्राउडेड होता है, हल्ला चिल्ला होता है, उसके बावजूद आप किचन एरिया में हो, तो मतलब क्या कुछ ऐसा खास रीज़न है? मैं यहाँ से प्रॉपर क्वालिटी चेक करके कस्टमर को सेंड करता हूँ। अच्छा, कस्टमर हाँ जी चीज़ें प्रिपेयर होते हो आप, प्रॉपर अपने तरीके से चेक करते हो, देन आप ट्राई करते हो? हाँ जी हाँ, पूरा प्रिपेयर
पीरियड जो बनाते हैं उनको चेक करके जो आगे सर्व करते हैं, ताकि कस्टमर की कोई कंप्लेंट ना आए। इसलिए हम लोग यहाँ पे खुद ये रेस्टोरेंट नया नया, बट भैया ने पूरी ऐसी कोशिश की कि जो भी कस्टमर का फीडबैक आए वो पॉजिटिव आए, इनके लिए आए। बाकी भी और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड कराते हो कस्टमर के लिए आप? हम लोग क्या नाम जोमेटो स्विगी से भी जुड़े हुए हैं और ये गाड़ियों में हमारे जो कस्टमर ये भी है, होम डिलीवरी वगैरह ये सेटिंग भी है, पूरा हम लोग जो है प्रोवाइड कराते हैं। मतलब जो भी कस्टमर अगर अपने गाड़ी में बैठे खाना चाहे वो भी हो सकता है? हाँ जी हाँ, गाड़ी में अधिकतर कस्टमर हमारे गाड़ी में बैठ के खाना खाते हैं, टेबल में खाते हैं, डिलीवरी है, ऑलमोस्ट जो है एवरीथिंग है। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ का जो सर्विस है वो क्लाउड किचन का है, उसकी वजह से अंदर जो रेस्टोरेंट है बैठने का वैसा अवेलेबल नहीं था, बट फिर भी इन्होंने एनी हाउ एडजस्ट किया कि आपने आप आए हो तो खा के ही जाओ। हमने सोचा कि भाई क्यों ना, जब मौका मिला तो बिना खाए कैसे जा सकते हैं। फिलहाल अपना खाना यहाँ पे आ चुका है स्नैक्स के रूप में, जैसा कि मैंने आपको बताया था डिफरेंट डिफरेंट वेज एंड नॉन वेज दोनों का कॉम्बो है। सबसे पहले मैं ट्राई करने वाला हूँ दही कबाब। बहुत ही ज़्यादा यम्मी एंड बहुत ही अच्छी क्रिस्पी है, बिल्कुल ही ज़्यादा हार्ड फ्राई नहीं, जिसको जला जला फील हो। दोस्तों वहीं अगर मैं बात करूँ चिकन कबाब की, बहुत ही सही है, तंदूर में पकाने के उसका सौंधापन है काफ़ी अच्छा आ रहा है, उसके साथ जो मसालों का कॉम्बिनेशन उन्होंने ऊपर से इन्ग्रीडियंट डाला है बहुत ही अलग। जी गाइस, अब मैं ट्राई करने वाला हूँ बटर लेमन फिश। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ एंड आई डोंट नो इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। बाकी चलिए खाते हैं थोड़ी सी हरी चटनी के साथ। जैसा नाम है बटर लेमन फिश, हल्की हल्की नींबू की खटास, बड़ा सॉफ्ट सा बटर एंड मछली का जो क्रिस्पी है बहुत ही सुंदर स्वाद, बिल्कुल मीडियम फ्राइड है जिसकी वजह से बिल्कुल कटना नहीं पड़ रहा, बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही अच्छा। वैसे अगर आपका भी कभी इधर आना हुआ तो एक बार तंदूरी एम्पायर जरूर विजिट करना एंड इसके इनके नॉनवेज के जो भी आइटम्स हैं एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ही उमदा स्वाद है। तो गाइस फाइनली अपने यहाँ पे खाना हो चुका खाता है। ओवरऑल फूड की क्वालिटी एंड द टेस्ट क्वालिटी की बात हो तो बहुत ही उमदा एंड बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। आप भी कभी यहाँ पे आ रहे हो या फिर कभी आप पंचकुला वगैरह के आसपास रहते हो एक बार यहाँ पे ज़रूर आओ, तो तंदूरी एम्पायर नॉनवेज ज़रूर ट्राई करो एंड वन एंड ओनली फिश बटर लेमन जो ऐसा कुछ करके रेसिपी था वो ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही उमदा था। मैंने पहली बार ऐसा ट्राई किया है एंड काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। बाकी यहाँ के जो भी आइटम है काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हाइजेनिक एंड टेस्टी रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहो मुस्कुराते रहो, टाटा।